वार्ड नंबर दो का तो भाइयों यो है कहना है, निशा संधु को जितवाना है। 30 अक्टूबर ने जाके हमने जग का बटन दबाना है, निशा को जितवाना है। गांव गांव और गली गली में यो है बस एक चर्चा है, निशा संधु ने जिला पार्षद का तो भर दिया पर्चा है। ईमानदार है निशा संधु, जन जन को समझाना है, निशा को जितवाना है। नमस्कार, स्वागत है आपके एचआर 71 में। चुनावी यात्रा चल रही है और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में, जहां पर आपको लगातार हम चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं। हर वार्ड से आपको कैंडिडेट का इंटरव्यू कराया, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके वार्ड से आखिर कौन खड़ा है। तो इस वक्त हम जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से हैं, जहां पर निवेदक हैं अनिल संधू मोंटी जी, जो लंबे समय से समाजसेवी के कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल संधू जो कि 2010 में उनकी धर्मपत्नी निशा संधू जो कि जिला परिषद मेंबर बनी थी, और उसके बाद 2016 में मोंटी जी वाइस चेयरमैन जो कि जिला परिषद बने थे, और अभी नंबरदार हैं, और साथ ही साथ 3 बार जो है पैक्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनके भाई सरपंच हैं गांव सैदुपुर से, तो अभी मौजूदा जो है सर्वसहमति से दोबारा से सरपंच बना दिया गया है। तो बातचीत करेंगे मोंटी जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है। आप लगातार कई बार समाज सेवा के कार्यों में दिखाई देते हैं, और लगातार कई वर्षों से जो है बिलासपुर सढ़ौरा आसपास क्षेत्रों में काफी समाज सुधार कार्य किए हैं। तो अब जो है आप जिला परिषद चुनाव में आपकी धर्म पत्नी आई थिंक खड़ी है, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं HR 71 का स्वागत करता हूँ, जो आप मेरे दफ्तर में आए, और मेरी धर्मपत्नी जो जग के निशान पे श्रीमती निशा संधू अब की बार 3री बार चुनाव मैदान में है। उससे पहले हम 2 बार जिला पार्षद बन चुके हैं, और मैं सभी वोटर से सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ, 30 अक्टूबर को मेरी धर्मपत्नी निशा संधु के हक में वोट दें, जग के सामने वाला बटन दबाकर उनको वोट दें। हमारे मुद्दे यही हैं, जितने उम्मीदवार हैं हम अपनी गारंटी ये दे सकते हैं कि हमने अपने कार्य आज तक ईमानदारी से किए हैं, कोई भी हमारा एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं है, हमारा खेतीबाड़ी का कार्य है, वोटरों की वोट लेकर कोई भी हमने काम ऐसा नहीं किया जो उनकी बदौलत चल सके, हमारा ईमानदारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है अब विकास कार्य करवाने का, हमने गाँव के अंदर अनेकों विकास कार्य करवाए हैं, गलियाँ नालियाँ चार दीवारी, खेलों के कार्य करवाए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, बिल्डिंगों के अंदर बाहर काफ़ी मिट्टी के लेवल काफ़ी कम थे उनके भर्त करवाए, इतने विकास कार्य करवाए, आज पूरा वार्ड हमारे साथ खड़ा है बिल्कुल, और 3री बार फिर मौके देने जा रहा है। मैं समस्त वार्ड का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो चुनाव चिन्ह है अभी जग का चुनाव चिन्ह है, जग लोगों ने पूरी तरह से भरना है, वो सभी मतदाता हमारे साथ खड़े हैं। आज इतना प्यार वार्ड के अंदर देखने को मिल रहा है, इतना आशीर्वाद बुजुर्ग माताएं बहनें हमें दे रही हैं कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। 3री बार एक तरफा माहौल इन्होंने कर दिया। मेरा ये मानना है कि सभी जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके पास इतनी वोट पड़ेंगी, और 50% में इतनी वोट हमें पड़ेंगी, उनसे फिर भी ज़्यादा पड़ेंगी। जी सर, आपकी वाइफ 2010 में भी रह चुकी हैं, और उसके बाद 2016 में भी आप वाइफ चेयरमैन रह चुके हैं, तो जो कार्य अभी पेंडिंग है, आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड से क्या कुछ अभी पेंडिंग है, किस तरीके का लोगों की क्या जरूरत है जिनको आप इस चुनावों में बनने के बाद पूरा करेंगे? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर जो है सरावा गाँव के अंदर पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, वो भी दूर करवानी है, और शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, स्कूलों का जो खेलों का स्तर है, स्कूलों के अंदर प्लेग्राउंड या बाहर प्लेग्राउंड, जो युवा साथी हैं अगर खेल के अंदर ज़्यादा जाएंगे तो हमारे एरिया के अंदर जॉब भी ज़्यादा मिलेगी, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अनिल संधू जी के बारे में, किस प्रकार के व्यक्तित्व है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनावों में, लोगों से क्या अपील करेंगे? ये जी 2 नंबर वार्ड से हमारे बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, 2री बार हमारे ते लड़ रहे, और इससे पहले भी लड़े 1 नंबर वार्ड से, तो ये ना इनका काम करने का तरीका ही बहुत अच्छा, मेल जोल बहुत अच्छा, ये जो एक कॉल पे गेल पड़ी मिलांगे, और बच्चे जो आगे खेलने वाले
उन्हें प्रोत्साहित करा, बहुत इनाम देखा वहाँ। एक लड़की मलकपुर बांगर की है, वो नेशनल में खेल का आई, सबसे पहले प्रोत्साहन करण पहुँचे जी ये माँ सी सबसे पहले, और मतलब वही नंबर इनका। जब से इन चुनाव लड़ रहे तो मैंने पहली बार कभी मिले थे कभी 15-20 साल पहला, तो वो ये कि नंबर आ 24 घंटे कोई भी अपना का कोई भी फोन कर लो गेली खड़े, और नालियाँ गलियाँ मतलब किसी का निजी काम हो या सार्वजनिक काम हो सब काम में खड़े जी। बहुत बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे जी। साहब का बच्चे बच्चे के जबान पर नाम अभी मोंटी मोंटी अनिल संधु। भाई जी आपके वार्ड नंबर से अनिल मोंटी जी हैं, वो इस बार चुनाव में अपनी वाइफ को उतारा है मैदान में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले से ही वो समाज सेवी कार्यों में कार्यरत हैं, और अब आप उनको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं HR 71 का यहाँ पे पहुँचने पे स्वागत करता हूँ, जो यहाँ पे हमारी आवाज को जनता में पहुँचाते हैं, इनका सबसे तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे जो निशा संधु जी हैं वार्ड नंबर 2 से, ये पहले भी 2 बार जीत चुके हैं और अब की बार भी जीतेंगे ये। इन्होंने अच्छी तरीके से वार्ड में पहले भी काम किए हैं और अब भी आगे भी काम करेंगे ये। ये पहली बात तो है कि ये हर एक कोई गरीब हो अमीर हो हर एक व्यक्ति का साथ देते हैं, साथ लेके चलते हैं सबको, और हर एक व्यक्ति का साथ देते हैं। कोई इनके पास किसी भी तरीके से किसी भी दिक्कत को लेके आता है तो वो ये उनका निवारण करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये अपने क्षेत्र में सभी अच्छी तरह से सब पूरे कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य। वार्ड नंबर 2 का तो भाइयो यो हे कहना है, निशा संधु को जितवाना है, 30 अक्टूबर ने जाके हमने जग का बटन दबाना है, निशा को जितवाना है। हम सबको यही अपील करने आए हैं कि आपने 30 अक्टूबर को अपना एक एक वोट श्रीमती निशा संधु जी, जो कि एक अनुभवी हैं, शिक्षित हैं, जो कि पूर्व में भी जिला यमुनानगर की पार्षद रह चुकी हैं, और हमारे भाई अनिल संधु जी पिछले प्लान में भी हमारे वाइस चेयरमैन रहे हैं, और एक समाज जीजपुर कला से पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है माताओं बहनों आवाज सुनने के लिए एकत्रित हुए साथियों, आप सभी को पता है कि आने वाली 30 अक्टूबर को चुनाव आने के लिए आई है, वो चुनाव मैदान में है जग के चुनाव चिन्ह पर, जिनका चुनाव चिन्ह हर घर की जरूरत जग है। हमने पहले भी 2 बार चुनाव जीत कर अपने वार्ड का विकास करवाया है, हम चाहते हैं कि अब की बार भी आपके गांव के सभी सदस्य हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब बनाए, ताकि हम अपने वार्ड का विकास करवा सके। एक बार फिर से आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद। वार्ड नंबर 2 से हमारे साथ निशा संधु जी हैं, जो कि इस बार जिला परिषद के चुनाव लड़ चुकी हैं और पहले भी जीत भी चुके हैं, तो आज क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? गांव में पहुंची थी मैम, डोर टू डोर कैंपेन में पहुंचे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड के सदस्यों को? मैं अपने वार्ड के सदस्यों को यही अपील करना चाहती हूँ कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड का विकास करवा सकें। चुनाव चिन्ह जग के सामने वाला बटन दबाकर हमें कामयाब बनाएं। कैसे आपके गांव से सहयोग है, आप क्या कुछ अपील करें? कि धर्मपत्नी को हम पूरा समर्थन करेंगे और इनको कामयाब बनाएंगे, ये इन्होंने पहले बहुत विकास कार्य किए हैं और आगे भी करेंगे, हमें उम्मीद है। अपील करेंगे अपने तमाम गांव वालों से? बिल्कुल करेंगे, सारा गांव बढ़ चढ़ कर इनको वोट दे। कैसा सहयोग मिल रहा है गांव से? बहुत बढ़िया सहयोग, बहुत बढ़िया सहयोग। दोस्तों इस बार हमारे वार्ड नंबर 2 से सैदूपुर से हैं अनिल संधु मोंटी जी, उनकी धर्मपत्नी है निशा संधु, जिनका निशान है जग, और काफ़ी अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है इनको, और वैसे भी सराफत की वजह से कह लो या जो मर्जी कह लो, हम इनको काफ़ी टाइम से जानते हैं और पूरा समर्थन है इनको, और हम सभी से अपील करेंगे कि आने वाली 30 तारीख को और जग के सामने वाला बटन दबा के इनको विजयी बनाएं। तो नेचर की वजह से ही हम साथ लगे हुए हैं जिनके, ठीक है, इनकी ईमानदारी सराफत, और जैसे हम पहले मिलते अपने जाट धर्मशाला में मिलते जुलते हैं, जैसे मीटिंग होती रहती है, तो उसी की वजह से हम इनके साथ लगे हुए हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद भी है और ये भी उम्मीद है कि ये विकास कार्य भी कराएंगे, ठीक है, गाँव का। देखो हमारे जीत पर पहली बार वार्ड नंबर 2 में आया है, तो जो भी काम है हम इनसे जरूर कराएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो है ये कवरेज अपना वार्ड नंबर 2 के सभी
तक पहुंच रही है। और मैं यही अपील करूंगा कि आने वाली 30 तारीख को जग के सामने वाला बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजय बनाए ताकि ये वार्ड का विकास कार्य करवा सकें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखो, सभी को पता है कि एक ईमानदार जो है मोंटी जो है एक ईमानदार आदमी है और पहले भी दो बार रह चुके हैं, अपना जिला परिषद से वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और 3 महीने का कार्यकाल इन्होंने चेयरमैन में भी किया है। तो सारे इलाके को पता है कि ये एक शरीफ और ईमानदार आदमी है और मैं यही अपील करूँगा कि एक ईमानदार व्यक्ति को बनाएं और भारी मतों से विजय बनाएं जब ताकि वार्ड का विकास अच्छे से हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले तो HR71 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो हमारी समस्याओं को और आवाज़ को समय समय पर उठाते रहते हैं। और मैं अपील करूँगा कि निशा संधू को भारी मतों से विजय बनाएं, जग के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाएं। अनिल संधू मोंटी जो हैं समाज के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, निशा संधू उनकी धर्मपत्नी हैं जो कि चुनाव लड़ रही हैं, सबके सुख दुख में हर समय भागीदार हैं और जो विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं वो उनकी जो मेहनत का है मुँह बोलता प्रमाण है, जिसके लिए किसी भी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा बनवाई गई गलियों को, धर्मशालाओं को प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है, जो कि उनकी ईमानदारी का प्रमाण है और ईमानदारी में भी उनका कोई सानी नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आने वाली 30 तारीख को अधिकाधिक मतों से निशा संधू को विजय बनाएं। धन्यवाद। मैं अपने वार्ड नंबर 2 के सभी जागरूक मतदाताओं से, माताओं बहनों बुजुर्गों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को सभी मतदाता जग के सामने वाला बटन दबाकर मेरी धर्मपत्नी निशा संधू को कामयाब बनाए। ध्यान रखिए, जग चुनाव चिन्ह है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोटें जग के सामने वाला बटन दबाकर दें। और मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि आने वाले समय में आपके काम और ज़्यादा करवाए जाएंगे। एक बार फिर HR71 का, सभी मतदाताओं का, सभी श्रोताओं का मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से अनिल संधू, जो जिनकी धर्मपत्नी जो है निशा संधू इस बार वार्ड नंबर 2 से चुनाव मैदान में। और लगातार अनिल संधू जो है समाज सेवी कार्यों में डटे हुए हैं, लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार की। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर करें और आने वाली हर अपडेट जानने के लिए HR71 को फॉलो करें। HR71 के लिए सढ़ोरा से सरनजीत सिंह।